हेलो मिस्टर राजेश जी, आप इस टाइम क्या करने जा रहे हो? जेसी बॉक्स खोल रहा हूँ। ये आप इस टाइम कनेक्शन लग रहा है? ये फाइबर टू होम। फाइबर टू होम, अच्छा। ब्रांच की तार में कनेक्शन जा रहा है घर में। हाँ जी, ये ब्रांच की तार है, ये कनेक्शन होके कस्टमर के घर में जाएगी। ठीक है, अभी आप जेसी बॉक्स खोल रहे हो? जेसी बॉक्स खोल रहे हो। ये हमारा जेसी बॉक्स अब खुल चुका है। ये इसके अंदर इसका सिस्टम लगा हुआ है। इसको क्या कहते हैं सर जी? इसको इसको फाइबर कहते हैं। ये होता है 8 पॉइंट का पॉइंट। अच्छा, 8 कनेक्शन लगते हैं इससे? 8 कनेक्शन लगते हैं, इसे बोल देते हैं 8। अट्ठा, हाँ। कपलर भी बोल देते हैं, कपलर। ये भाई साहब फाइबर, इनका नाम क्या है? आपका नाम? राजू नाम है। राजू नाम है, ये क्या कर रहे हो आप? अभी मैं फाइबर जोड़ूंगा, फाइबर का जॉइंट करूँगा। फाइबर का जॉइंट लगाओगे आप? जी। इसको कहते हैं 1+8। 1+8, इसमें 8 कनेक्शन होते हैं। 8 के अलावा 7, 8 के अलावा नोवा कनेक्शन लग नहीं सकता। अच्छा, तो फिर नोवा कनेक्शन लगाने के लिए क्या करोगे? नोवा कनेक्शन लगाने के लिए क्या करोगे? वो तो सर हम आगे फिर पावर आवर डिवाइड करके कोशिश करते हैं, ACP वगैरह चेंज करके। अच्छा, और इसको लगाने के बाद फिर कस्टमर के घर में जाओगे? हैं, ये देखो जी फाइबर छील रहे हैं। छीलने के बाद फाइबर ऐसी हो जाती है, ऐसे निकलती है। इसमें से ये जेल कैसा भैया? ये जेल होता है, इसकी लाइफ बढ़ा कर रखता है। अच्छा, क्या कहते हैं इसे? फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर। क्या इसके अंदर? दो पेयर है, इसमें दो पेयर है। दो पेयर है इसके अंदर कनेक्शन वायर है। कनेक्शन वायर ये दोनों लगेगी या एक? एक लगेगी इसके अंदर, एक एक्स्ट्रा होती है। अच्छा, मैं जेसी बॉक्स में डाल रहा हूँ। ये हमारी फाइबर डल गई इसके अंदर, ये 2 पेयर है इसमें से। इसके अंदर डल गई पानी वाली, पानी वाली फाइबर है, 6 नंबर है। अच्छा, 6 नंबर कहते हैं इसे। हाँ जी। और ये जो ये आसमानी कलर की दिख रही है, ये जो आसमानी नहीं नीली कलर की है, 1 नंबर है। अच्छा, 1 नंबर है। 1 नंबर और 6 नंबर, दो फाइबर है इसके अंदर। अच्छा अच्छा, ये हमने 1 नंबर और 1 नंबर यहाँ से ले लिया। अच्छा, अब इसका हम जॉइंट करने जा रहे हैं। ये स्लिप है, ये किस चीज लिए होती है? ये स्लिप होती है, फाइबर का जॉइंट होता है, उसको पक्का रखने के लिए, टूटे नहीं। अच्छा अच्छा, हमने डाल दिया। इसे कैलिवर है, ये कैलिवर होता है, फाइबर की मशीन है। अच्छा, ये हमारा टिपर है, ये टिपर। टिपर मतलब वो कटर, कटर जो फाइबर को छीलता है। अच्छा अच्छा, ये इसके अंदर पहली कोट निकाली तो फाइबर निकल गई, दूसरी के अंदर ये बिल्कुल कांच की तार होती है फाइबर। अच्छा, ये कांच की तार होती है, नज़दीक से दिखाओगे प्लीज? देखो, दिखाई भी नहीं दे रही है, तो बहुत पतली तार है। तो आपकी कैलिवर में डाली है, ये हमारे 16 नंबर पे कटिंग हो रही है इसकी। अच्छा, 16 नंबर पे कटिंग हो रही है, ये कटिंग हो गई है, ये कट गई है। अच्छा, ये आ गई, हमने मशीन में डालनी है। ये मशीन में लगाई है आपने, अभी दूसरे सिरे की फाइबर ली मैंने। ये मैंने 10 नंबर पे बिल्कुल लास्ट पे ले जाके कटिंग कर दी। ये जो इसके अंदर जुड़ती है, इसके अंदर कोई जेल वेल होता है क्या? नहीं नहीं, इसके अंदर ये इलेक्ट्रिक मशीन होती है, ये 3.5 लाख रुपए की मशीन है। अच्छा, 3.5 लाख रुपए की मशीन है। ये अंदर ये नोक होती है, नोक से सर्किट होता है इससे। नहीं, इसके अंदर कुछ तो होता होगा जिससे जॉइंट लगता है। होती है ये नोक। अच्छा, नोक इसके होती अंदर है। स्पार्किंग होती है। अच्छा, इससे जुड़ती है, हमने बैंड डाल दिया। अच्छा, बैंड किस मारे? बैंड ये वाली मोटी है, थोड़ी मोटर होती है इसके अंदर। अच्छा अच्छा, करने में थोड़ी होती है ये हमारी। अब हमने सेट कर दिया,
साइड पर दोनों साइड की फाइबर आ गई है, कटिंग बिल्कुल साफ है। ये दिखा रहे प्लस वन, ये तो पाउस हो गया है, ये कटिंग बिल्कुल साफ है। अब मैं दोबारा सेट कर देता हूँ। अच्छा, ये जुड़ चुकी है 0.2 के लॉसेस पे। अच्छा, 0.2 के लॉसेस पे बिल्कुल जान बन जुड़ी है। अच्छा, हमने दोबारा मशीन रीस्टार्ट कर दिया, ये स्लिप हम लाए कोने पे जड़ पे। फाइबर जुड़ चुकी है देखो। हाँ, जुड़ चुकी है बिल्कुल, ये स्लिप के अंदर लाए। ये हमने हिट कर दिया, हिट का मतलब हिट वो पाइप हिट होके चिपक। अच्छा, चिपक जाएगी, ठीक है ठीक है। तीन, अब ये फाइबर हिट हो चुकी है, इसको निकाल के हम रख देते हैं, मशीन ऑफ। मैं फाइबर अब ये इसमें सजा रहा हूँ, जेसी में, उसमें नहीं, जेसी। ये सज चुकी है। हाँ जी, फाइबर पूरी सज चुकी है, एक नंबर ये बीच में आ गई है हमारे पास। इसके अंदर चार कनेक्शन लगे हुए हैं, फिलहाल चार कनेक्शन लगे हुए हैं, चार बच्चे हैं, अभी चार और लग सकते हैं। अच्छा अच्छा, अब आपको अगली वीडियो हम कस्टमर के घर के अंदर दिखाएंगे, वहाँ पर हम उसको पेच कोड लगाएंगे। ठीक है जी, ये हम अब कैसेट लगाने जा रहे हैं कस्टमर के घर पे। ये होती है पेच कोड, ये कैसेट, और ये फाइबर डाल के अभी जॉइंट करके आपके सामने पेच कोड लगा रहे हैं। ये फाइबर है, ये धागा है, धागा ये पेच कोड लग चुकी है, टेप वेप लगा के अंदर भी लगा दिया। अब इसका जॉइंट होने जा रहा है, स्लिप डाल दी। ये फाइबर हमने छील लिए, ये कांच की तार होती है बिल्कुल। ठीक है ठीक है, कटिंग हो गई है। हमने मशीन में लगा दी, इसके अंदर देखो एक हल्का वाला चमक रहा है। हाँ, इसकी कटिंग ख़राब हो सकती है, वो भी मशीन बता देगी। ये देखो, ये वाली कटिंग ख़राब है, मशीन ने बता दी है। जब तक ये सेंटर में नहीं बैठेगी फाइबर नहीं जुड़ेगी। अब दोनों फाइबर आ गई हैं, कटिंग बिल्कुल एक्यूरेट है, हमने सेट कर दिया। अभी हमारी फाइबर लॉस पे जुड़ी है, बीच में देखो ये बिंदु आ गया। अच्छा, ये भी मतलब पावर लॉस करेगी, इसको मैं तोड़ के दोबारा जोड़ेंगे। जब हम दोबारा जोड़ रहे हैं, दोनों फाइबर आ गई है, कटिंग साफ है। जीरो पॉइंट तीन पर जुड़ी है, 0.23, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ओके। हमने फिर जड़ तक ले गया स्लिप, पावर जुड़ चुकी है। फिर हमने हिट के लिए डाल दी, हमारे पास पावर आ गई है -21.85। ये 25 तक हमारा बिल्कुल ओके चलेगा, हमारा नेट इसके अंदर हल्की सी बफरिंग नहीं आ सकती है, -25 तक।
ये हमारी कैसेट अब सज चुकी है। जितने अच्छे फाइबर संभाल कर रखोगे उतना चलेगा। ये केजरीवाल का कार्ड है, ये हम जो केजरीवाल को सर्विस देते हैं, दिल्ली सरकार का कार्ड है। ये हमारा हो गया 21.92 पावर है हमारी। कैसेट हो गया बंद, अब दूसरा लड़का आएगा और राउटर लगा के कनेक्शन चालू कर जाएगा। ये हमारा कनेक्शन डल के तैयार हो गया है भैया। हमारी वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।